नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात की जिला मुख्यालय पर दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से चल रहे सत्याग्रह एवं 25 अक्टूबर 2021 से दीपक चौहान की भूख हड़ताल का जिला प्रशासन ने सम्मानजनक तरीके से समापन कराया और सत्याग्रही पत्रकार साथियों को एक महीने में जनहित की 8 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कानपुर देहात में जनहित की 8 सूत्री मांगों के लेकर जिला प्रेस क्लब एवं पत्रकार साथी जिला प्रशासन के द्वारा जांच के बाद कार्रवाई न किए जाने के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं अनंतराज अस्पताल के मालिक के खिलाफ दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से कानपुर देहात के जिला मुख्यालय माती पर सत्याग्रह कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सुनवाई न करने के कारण सत्याग्रही पत्रकार साथी दीपक सिंह चौहान दिनांक 25 अक्टूबर 2021 से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सत्याग्रह के 36वें दिन एवं भूख हड़ताल के 29वें दिन बाद जिला प्रशासन ने थक हार कर सत्याग्रही पत्रकार साथी विजय शंकर कौशल एवं ब्रजेंद्र गुप्ता समेत दीपक सिंह चौहान की बात पर अमल करते हुए जनहित की 8 सूत्री मांगों पर एक महीने में कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया और स्वास्थ्य विभाग की समस्त कार्यशैली पर जिला प्रशासन नजर रखेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है जो जिला अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच करेगी। वहीं शिकायतकर्ता दीपक सिंह चौहान की शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद अनंतराज अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हुई जांच के मामले में अनंतराज अस्पताल पर कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी ने शासन से दिशा निर्देश हेतु पत्र भेजा है। शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद अनंतराज स्थल पर कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष जी, आज जिला प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल आया था, क्या आश्वासन दिया गया, क्या सत्याग्रह समाप्त किया गया? जिला प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी अकबरपुर और सीओ साहब अकबरपुर महोदय आए, सकारात्मक बातें हुई। हमारी सभी 8 मांगों पर उन्होंने अपना सही दृष्टिकोण अपनाया और जो हमारी मांगे हैं जिला अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर की अनियमितताओं का, उसके लिए जिला प्रशासन की कमेटी मॉनिटरिंग करेगी और सभी पर कार्रवाई होगी। कहीं भी मानक विहीन अगर कोई चीज आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। तथा जो ऊपर की हमारी 3 मांगे हैं शासन से संबंधित, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने शासन को पत्र भेजा है। वहाँ से निर्देश मिलने के बाद जैसा होगा वैसी कार्रवाई होगी। इन सब के लिए क्या कोई समय दिया है? इसके लिए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है और लगभग 1 महीने में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक 8वीं मांग है जो सत्याग्रहियों पर फर्जी मुकदमे फंसाने की साजिश, इस पे जिला प्रशासन ने क्या कहा? जिला प्रशासन ने कहा कि कोई भी फर्जी मुकदमे नहीं होने दिए जाएंगे।